सभी किसानों, नौजवान साथियों, सभी पुलिस प्रशासन के लोग और यहाँ पे जो आयोजक करने वाली कमेटी, नोटी साहब, कंसेल सिंह चांगी जी, गुरविंदर सिंह, गोपी गुरजीत सिंह, नंबरदार चरणजीत सिंह, जसविंदर सिंह, हरप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह, तपिंदर सिंह जी, चरणजीत सिंह जी, गिल दलजीत सिंह जी और श्यामलाल शर्मा जी और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे कमेटी में काम करा और जो साझापुर से जो बाबा जी आए हैं यहाँ पे, पूरी टीम यहाँ पे है और जो खास करके नौजवान साथी है और जो पहाड़ से जो हमारे लोग आए, क्योंकि हिमाचल में आए तो जितने भी पहाड़ से ऊपर से जो लोग यहाँ पे आए उन सबका धन्यवाद है। और यहां से जो शुरुआत हम करते हैं गुरुद्वारा पोंटा साहब, जहां पे गुरु गोविंद सिंह ने ग्रंथ इकट्ठे करे, उन पे चर्चाएं हुई और लेखनी लिखी गई, कई साल वे यहां पे रहे। और जो सबसे बड़ा महत्व यमुना जी का, आप जब भी देखोगे तो यमुना यहां से शांत होकर चलती है, बड़ा फांट, और बहुत शांत होकर आवाज नहीं करती। जब पूरा पानी आता है जब भी वो आवाज नहीं करती, तो ऐसा तीर्थ स्थान पे आज सौभाग्य है कि हम यहाँ पे आ जाए। 2002 के 3 के आसपास ये बात है कि टिकैत साहब भी यहाँ पे आए थे, एक बड़ा प्रोग्राम इसी पोंटा साहब की धरती पे हुआ। मुद्दा पूरे देश का जो इशू चला हुआ है, जिसके लिए सब किसान इकट्ठा हुआ, वो 3 कानून जो पूरे देश के किसानों को बर्बाद करेंगे, वो कानून जो किसानों के पक्ष में बनने चाहिए थे वो देश में नहीं बने। MSP देश में लागू नहीं हुआ। जब शुरू शुरू में बातचीत उनसे, उन्होंने कहा जी MSP तो इसमें ही नहीं, तो यही तो रास्ता था ना कि MSP ना देके, MSP पे कानून नहीं है, सस्ते में फसलों के लूटने का टेंडर बनाया गया। देश में गोदाम पहले बने और कानून बाद में आए। इसका मतलब यह है कि व्यापारी की पहुंच प्रधानमंत्री के कार्यालय तक है। जो बड़ी कंपनी आई, देश में किसी पार्टी का राज नहीं है। ये BJP वाले गलत फहमी निकाल दे कि हमारी सरकार है, इनके तो नेता भी अंदर हाउस में अरेस्ट है। इनकी सरकार होती तो ये जरूर बात करते। जब जब भी देश में किसी पार्टी की सरकार हुई तो उसने बात करी किसानों से। अंग्रेज भी देश में रहे, अगर कोई इशू हुआ तो अंग्रेज भी बातचीत करते थे, उनकी समझ में आता था तो उसका हल निकालते थे। ये तो उससे भी खतरनाक है। यह है जैसे देश में राजा प्रथा थी कि अनाज पे जिस राजा का अधिकार होगा, जिस राजा के क्षेत्र में अनाज जितना होगा वो उतना ही बड़ा बलशाली वो होगा। ये 100-150-200 साल पहली जो परंपराएं हैं वे इसी सरकार ने शुरू करी है। अब अनाज पे अधिकार, और वो अनाज पे अधिकार जो आप बड़ी बड़ी कंपनियों को आप देखोगे, KFC या जितनी भी फूड चेन में कंपनियां हैं, मैकडोनाल्ड्स, जब इनका शाम को क्लोजिंग होता है, इनका भोजन बचता है, तो अगले दिन फ्रेश भोजन इनका मिलता है, वहां से बनकर आता है, तो दूसरा ही भोजन यहां पे मिलेगा आपको। लोग समझते हैं कि भाई बहुत बढ़िया लोग हैं, अगले दिन नया फ्रेश भोजन देते हैं। लेकिन आप इनसे ये जरूर पूछने की कोशिश करना कि आपका बचा हुआ भोजन कहां पर जाता है। वे बचा हुआ भोजन अपने नौकर को भी नहीं देते जो वहां पर कर्मचारी काम करता है। अगर गुलाब जामुन का चार, गुलाब जामुन एक डब्बे में है और 2 ग्राहक ने मांग ली और 2 उसमें से बच गई, तो वो बचा हुआ अगले दिन ग्राहक को तो देंगे नहीं वे, लेकिन वो अपने कर्मचारी को भी नहीं देंगे,
वो डस्टबिन में डालते हैं, कैमरे के सामने डालते हैं, किसी अपने कर्मचारी को नहीं देने के खाने के लिए। तो ये जो भोजन पे अधिकार का जो सवाल आया है, ये जो कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां जो आ रही हैं, इनका एक सर्वे हुआ और सर्वे हुआ ये कि महिलाएं सोने का इस्तेमाल एक साल में 17 बार करती हैं, उसके बाद में वो लॉकअप में अपने घर में रखती हैं वे। लेकिन जब सर्वे विभाग के आदमी को भूख कितनी लगती है, तो भूख एक साल में 700 बार लगती है। तो उन्होंने कहा कि भूख पर व्यापार करेंगे, अनाज को गोदाम में बंद करेंगे, रोटी को तिजोरी की वस्तु बनाएंगे और भूख के आधार पर देश में कीमतें तय करेंगे। ये व्यापार नहीं चलने का। किसान तो लड़ाई लड़ रहा है, अब जो लड़ाई लड़ने वाला है ये जो आम आदमी है, जो आम उपभोक्ता है, जो आम कंज्यूमर है, ये किसान तो उसकी लड़ाई लड़ रहा है। जैसे हिमाचल में आए तो सेब की हम अगर बात करें, यहाँ पे 10 लाख किसान परिवार है, 6 लाख किसान परिवार यहाँ पे बागानी का काम करता है। यहाँ पे पूरा अधिकार जो सेब का जो बागान है वो अडानी के पास में है। जब यहाँ का पूरा व्यापार खत्म करा गया तो अडानी ने थोड़े से ज्यादा पैसे दिए यहाँ के किसान को, उसने मंडिया यहाँ का व्यापार खत्म करा, और जब 3 साल ज्यादा पैसे उनको दिए, यहाँ का पूरा व्यापारिक सिस्टम टूटा। उसके बाद में मनमाने रेट पे अपने सेब खरीदता है और आज 150 रुपया किलो उसी का भाव है। आम कंज्यूमर को भी मारता है और आम किसान को भी मारता है। इसी तरह से ये दूसरी जो बड़ी कंपनियां आई है, जो 26 जो क्षेत्र है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो टेलीफोन की हो, वो पेट्रोलियम हो, वो हवाई अड्डे हो, वो रेलवे हो, वो बैंकिंग हो, वे सारे के सारे बिकने का काम करा जा रहा है। ये देश में कोई सरकार नहीं, देश में सरकार के नाम पे लुटेरे हैं, इनको भगाना पड़ेगा। ये लुटेरे हैं, भगाना पड़ेगा इनको। ये और 2-3 साल में पूरे देश को बेचेंगे, जगह जगह बोर्ड लगेंगे, सेल फॉर इंडिया, सेल फॉर हिमाचल, ये बोर्ड लगने हैं सब जगह। संस्थाएं एक नहीं बनाई, सब बेचने का काम करा जा रहा। गुजरात में गए, 2 दिन गुजरात में रहे, गुजरात स्टेट में किसी पार्टी की सरकार नहीं, वहां पे पुलिस की सरकार, पुलिस ही वहां की हुकूमत चलाती है सब। ऐसा हाल तो पूरे देश में नहीं ना क्या? ये हाल गुजरात के हैं। जब साबरमती आश्रम गए, उसके बराबर में एक स्टेडियम है, स्टेडियम था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से, स्टेडियम का नाम बदल दिया गया गुजरात के अंदर, मोदी स्टेडियम। उनके बाद में उसके गांव गए हम सरदार जी के, बागडोली गए जहां से उन्होंने आंदोलन की शुरुआत करी। हमने 2 दिन में दोनों जो महापुरुष थे उनके वहां पर गए, वहां के किसानों से मिले, वहां के गांव के लोगों से मिले। गांव के लोग हमको सड़कों पे खड़े जरूर मिलते थे, लेकिन किसी की हिम्मत ये नहीं थी कि हमारा हाथ उठाकर समर्थन कर दें। वे सिर्फ ऐसे हाथ बांध कर बात सुनते थे। एक आतंक अगर देखना है तो गुजरात में जाकर देखो। यहां पे भी उत्तराखंड में भी हम गए, रुद्रपुर में एक पंचायत हुई, वहां उस पंचायत में कभी मोदी आए होंगे, उस मैदान का नाम रख दिया मोदी मैदान। जब वहां पर पंचायत हुई तो उससे ज्यादा भीड़ इन किसानों की गई वहां। इन किसानों ने नाम बदल कर रखा कि जिसकी ज्यादा भीड़ मैदान उसके नाम, तो उन्होंने नाम रखा किसान मैदान।
ये भी जो हिमाचल यहाँ पर है, ये शांत क्षेत्र है, बहुत पीसफुल्ली लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ पे हैं, यहाँ की बहुत सी पॉलिसी हमने बराबर का ही आपका स्टेट है उत्तराखंड, हमने कहा कि कुछ पॉलिसी वहां की उत्तराखंड में भी ले आओ, उत्तराखंड के अधिकारी यहाँ पे भेजे, कुछ पॉलिसी में लेकर गए 7 साल पहले और सर्वे करो कि यहाँ का जो उत्थान है, यहाँ के जो आदमी है ये पढ़े लिखे हैं, ये एजुकेट है, उत्तराखंड का क्यों नहीं है, दोनों हिल स्टेट है, कुछ अच्छाई भी है यहाँ के लोगों की, लेकिन उनको भी दबाने का काम करा जा रहा, जो यहाँ का किसान है उसको प्रेशर में लेने का काम करा जा रहा। हमने कुछ पॉलिसी जो हिल स्टेट की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी देने की काम करी और ये पूरे देश में देने का काम करा है। जो भारत सरकार से आंदोलन चल रहा वो तो चल रहा है, लेकिन जिस स्टेट में जाते हैं उस स्टेट की भी पॉलिसी में कैसे उसमें सुधार हो सकता है उसमें भी बात करी जाती है। जब तक यहाँ पे विलेज टूरिज्म पॉलिसी में बढ़ोतरी नहीं होगी तो पहाड़ के किसान को वहां के गांव में रहने वाले लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। वो विलेज टूरिज्म पॉलिसी पूरे देश में लागू हो, यहाँ के किसान को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिले, जैसे चिन्नी की शुगर फैक्ट्रियों को बंदरगाह तक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी समय समय पर देते हैं, उसी तरह से पहाड़ के किसान को भी उसके खेत से मंडी तक की व्यवस्था सरकार करे, उससे यहाँ के किसान को लाभ होगा। यहाँ की कई सौ करोड़ रुपया की फसलें बर्बाद होती है जंगली जानवरों से, सरकार या तो उसका मुआवजा दे या कंपनी उसका मुआवजा दे या जंगली जानवरों का इलाज करे उनका, ये सरकार से यहाँ पे भी डिमांड है। और यहाँ के लोगों से भी है कि जो कमेटियां हैं आप पहाड़ तक जाओ, यहाँ पे 3 क्लाइमेट जोन है, उन जोन में आप काम करें, यहाँ की जो फसलें हैं उस पर आप काम करें, यहाँ के लोगों के बीच में जाएं, ये कमेटियां काम करें और पहाड़ के जो लोग हैं उनको साथ में जोड़ने का काम करें। यहाँ की कमेटियों की जिम्मेदारी है कि दोनों स्टेट को आप जोड़ने का काम करें, क्योंकि दोनों का क्लाइमेट जोन एक है। यहाँ पे अगले महीने, इस महीने के लास्ट में और मीटिंग यहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल में रखे, जो संयुक्त मोर्चे के लोग हैं जब जब आप बुलाओगे तो लोग आएंगे। पहाड़ के लोगों को भी जरूरत है कि दिल्ली के आंदोलन में शरीक हो, यहाँ पे कोई दिक्कत होगी तो उससे निपटा जाएगा। पुलिस प्रशासन आपको परमिशन नहीं देगा, आगे से ये ध्यान कर ले कि आप जो भी किसान संगठन की मीटिंग करोगे प्रशासन को इंडिकेट करोगे, इंटीमेट करोगे कि हम वहां पे मीटिंग करेंगे, आप कागज लेके उनके पीछे पीछे नहीं फिरोगे, आपको ये परमिशन नहीं देंगे कभी भी। ये सरकार की गाइडलाइन है, आपको कोई परमिशन नहीं देने का, हम कोई परमिशन नहीं कभी देते। अगर वे आपको बॉर्डरों पर रोकने का काम करते हैं तो हमारी मीटिंग सक्सेसफुल होगी, हम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मीटिंग करते हैं। बहुत प्रेशर में रहते हैं यहाँ के पुलिस फोर्स के लोग भी, इनकी सैलरी अगर देखोगे हमारे परिवार के बीच से बच्चे जाते हैं सारे, एक टीचर से आधी सैलरी इनकी होती है, काम इनसे 24 घंटे लिया जाता है, इनकी ड्यूटी अगर ये कुछ काम करेंगे तो ड्यूटी यहां से हटा के पहाड़ के उस जो चाइना का बॉर्डर है वहां पर लगाएंगे पुलिसमेंट, लेकिन जब इनके क्वार्टर बनने की बात आएगी तो कभी आपने इनका क्वार्टर नहीं देखा होगा, ये अपने माँ बाप को भी अपने क्वार्टर में ले जाने वाले ले जाते, पुलिस वाले शर्माते हैं, 2 चारपाई उसमें नहीं आ सकती। हमने भारत सरकार को लिखा है, ये करीब 5-6 साल से लिख रहे हैं फोर्सेस के लिए, इनका क्वार्टर बड़ा बनाओ, आप इनसे ड्यूटी 24 घंटे लेते हो, इनकी सैलरियां बढ़ाओ, इनके वर्दी के जो पैसा मिलता है वो भत्ता बढ़ाओ। ये आवाज नहीं उठा सकते फोर्स के लोग,
तो इनको दबाने का काम करा जा रहा है। 2004 के बाद में पेंशन खत्म कर दी गई सभी कर्मचारियों की, लेकिन एमपी और एमएलए की पेंशन रहेगी। देश के प्रधानमंत्री जी, जैसे आपने गैस के सिलेंडर से सब्सिडी वापसी की बात आम जनता से करी, एक बार एमपी एमएलए से भी कर लो। बहुत लोग छोड़ना चाहते हैं, आप अपील कर लो, कौन कौन छोड़ेंगे? ये देश में अब नहीं चलने वाला। एमपी और एमएलए को चर-चर पेंशन मिलेगी और सरकारी कर्मचारियों को एक भी पेंशन नहीं मिलेगी, या तो उनकी भी खत्म होगी और या उनको भी मिलेगी। ये सारे इशू हैं, आपको उठाने हैं। ये एक जन क्रांति है, ये खाली किसानी का मामला नहीं है, ये सारे इशू रहेंगे। ये जैसे नारे लगे ना इलेक्शन से पहले कि हम देश नहीं बिकने देंगे और चौकीदार चोर नहीं हो सकता, ये तो साबित हो गया। जिसको देश सौंपा वो देश को बेचने का काम कर रहा है। सब संस्थाएं बेच दी, पूरा का पूरा सेल पर लगा दिया पूरा देश। नौजवानों से भका कर वोट ले लिया। सरकारों के काम मंदिर बनाने के नहीं होते, सरकारों का काम तो सुरक्षा देने का होता है, रोजगार देने का होता है, सरकार का काम तो इंडस्ट्री लगाने का होता है, सड़कें बनाने का होता है, स्वास्थ्य पे काम करने का होता है। 7 साल में एक मंदिर पे पूरे देश की जनता उलझा दी। भाई मंदिर किसका? हम रघुवंशी हैं, मंदिर तो हमारा है, हमारे पूर्वजों का जन्म अयोध्या में हुआ, हम तो उनके वंशज हैं। लेकिन 7 साल में एक उलझा कर रख दिया मंदिर के नाम पे, विकास के नाम पे सरकार काम करे। मंदिर तो गांव गांव में गांव के लोग ना बनावा है, हर गांव में शिवालय मंदिर गुरुद्वारे मस्जिदें हैं, आप उस पर कंट्रोल करो। लेकिन विकास का काम आपने छोड़ दिया, ये नहीं चलेगा। देश की जनता ये पूछती है ये विकास कब होगा, हमारे फसलों के भाव कब मिलेंगे? आलू का रेट 2.5 महीने पहले, आलू का रेट आज से 70 दिन पहले 40 रुपया किलो, आज जब किसान की फसल आ गई तो 2 से 3 रुपया किलो। पूरा टमाटर का किसान बर्बाद, बाजरे का, सारी फसलों का किसान बर्बाद। एमएसपी पे अगर कानून बन जाएगा तो एमएसपी से नीचे पे कोई खरीद नहीं करेगा, ये कानून चाहिए। 3 जो कानून बने ये वापसी चाहिए। जो दूध का एक एग्रीमेंट विदेशों से होने जा रहा है, दूध का किसान बर्बाद होगा, उससे पूरा पशुधन हमारा खत्म होगा। अमूल जैसी कंपनियों ने 17 रुपए का डिमांड करी है कि अगर भारत से दूध का एग्रीमेंट होगा तो 17 रुपए हमको पर केजी पर लीटर हमको बोनस चाहिए उस पर, जब हमारी अमूल की डेरियां बच सकती है। सीड बिल आ रहा है, बीज कानून, पुलिस के थाने जाएंगे आप दमसूद में दीवार खींचेगी। पहले महिलाएं थाने बने, बिजली के थाने बने, अब बीज के थाने बनेंगे, बीज पुलिस बनेगी। किस किसान ने अपने खेत में क्या बोया है उस पर निगरानी रखी जाएगी। अगर धोखे से किसी ने किसी से दुश्मनी निकालनी है, किसी कंपनी का बीज किसी के खेत में बगा दो 1 किलो, जब वो जमेगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस किसान को घर खेचू खेचू फिरेगी, किसान कहेगा भाई मेरे पास मुझे रसीद है, मैंने इस कंपनी का बीज बोया, उसने कहा कि तुम्हारे खेत में इस कंपनी का बीज है, आपने इसकी चोरी करी है, उस पर मुकदमा और सजा दोनों है। कोई सोच सकता था कि इस तरह का कानून आएगा? पत्ती जलाने पर कोई सोचता था कि पोल्यूशन के नाम पर जेल होगी? कोई सोच सकता था कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप नहीं चला सकते? एनसीआर में ये कानून है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर डीजल इंजन कोई भी किसान नहीं चला सकता। आपके यहां पे 15 साल है, अभी एनजीटी का दायरा और बढ़ रहा है, हर शहर में इस तरह की पॉलिसी आएगी कि शहर से 100 किलोमीटर की दूरी पे कोई भी
10 साल पुराना वाहन नहीं चलेगा, ये पॉलिसी भी आएगी। ये पूरी पॉलिसी है कि किसानों की जमीन छिन जाए। गुजरात जैसे स्टेट में रिलायंस को 60 गांव की जमीन दी जो आम की खेती करता था किसान, वहां पर आम के बगीचे लगाए गए रिलायंस के द्वारा और वे सुप्रीम कोर्ट तक उनको हराया गया। एकाकी जज पहले बेंच में भी आया, दूसरी में भी आया, तीसरी बेंच में भी आया। जुडिशरी से विश्वास उठता जाता है हिंदुस्तान का। इनकी जांच होगी, जिनको राज्यसभा मिली, इन्होंने दो दो तीन तीन साल क्या क्या फैसले करे हैं देश में, ये वही है। राज्यसभा का एक पट्टा दिखाया जाता है, जितने भी नेता इस तरह के बनते हैं जब सरकारी ओहदे पर रहते हैं उनसे या तो शपथ पत्र लो कि कभी भी मैं पॉलिटिकल पार्टी राज्यसभा उसमें नहीं जाऊंगा, नहीं तो उनके 5 साल की कार्यकाल की जांच हो, उन्होंने क्या क्या फैसले करे हैं, ये आधे जेल में पाएंगे आपको जेल में। क्योंकि एक पट्टा दिखा जाता है कि 2 साल बाद में 3 साल बाद में राज्यसभा है, उनसे फैसले गलत करवाए जाते हैं। ये सब लोग हैं वही। आएगी ये जन क्रांति है, आप तैयार हो, ये लड़ाई ये धरने प्रदर्शन लंबे चलेंगे। जो दिल्ली के अभी आंदोलन है, सरकार जब बात करना चाहे हम बात करेंगे उनसे, संयुक्त मोर्चा बातचीत करेगा, लेकिन हमने आंदोलन की तैयारी भी कर ली। जो पहले फेज का आंदोलन है नवंबर और दिसंबर तक चलाएंगे, और नवंबर दिसंबर के बाद में बढ़ाने की जरूरत होगी तो फिर बढ़ाएंगे आंदोलन को। घर वापसी नहीं जाएंगे, ये कोरोना आ जाओ, ये कोरोना के नाम पे खेल करना चाहते हैं। बंगाल का चुनाव हो जाएगा, कोरोना आ जाएगा, ये कोरोना का बाप भी आ जाए ना, ये धरने खत्म नहीं होंगे। इन आंदोलन को शाहीन बाग मत समझ लेना, आपने शाहीन बाग खत्म करा होगा, ये धरने खत्म नहीं होंगे। कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, धरने खत्म नहीं होंगे, अपने घर नहीं जाएंगे। आप लॉकडाउन लगाओ, आप पूरे देश में कर्फ्यू लगाओ, पूरे रास्ते बंद करो, हम अपने धरनों पर रहेंगे, वहां नहीं छोड़ देंगे। ये गलत फैसला है। ट्रैक्टर अपने तैयार रखो, 3 चीज से ही देश जीतेगा। चाइना के बॉर्डर पे हमारे फौज के लोग रहेंगे टैंक लेकर, खेत में किसान रहेगा ट्रैक्टर लेकर, और नौजवान रहेगा ट्यूटर लेकर। TTT से ही देश का भला होगा। अपने ट्रैक्टर पे बड़े बड़े बम्पर लगवा कर रखो, कहीं पे भी मोर्चे तोड़ने पड़ सकते हैं। ये मोर्चे ट्यूटर और ट्रैक्टर से टूटेंगे, और जवान सरहद पे टैंक से तोड़ेगा। एक ही चीज है सारे के सारे, सबका कट्ठाई मेल जोल है। इन चीजों को आप ध्यान रखो सब, और दिल्ली के आंदोलन पे भी फसल कट जाएगी, गर्मी रहेगी, अब पहाड़ छोड़कर नीचे आना पड़ेगा। गर्मी में बहुत ठीक लगता है पहाड़, हमको भी लगता है, हमको भी 5-10 दिन रहना चाहिए था यहां, लेकिन नहीं। 2021 का जो साल है ये आंदोलन का साल है। अगर 2021 आपने आंदोलन ठीक कर लिए तो आने वाले टाइम पे आपकी जमीनों की तरफ कोई नहीं देख सकता, नहीं तो आपकी जमीन नहीं बचनी। आने वाले टाइम पे आपकी जमीन नहीं जाएगी। जैसे ब्राजील का हाल है, ब्राजील में 80% जमीन वहां पे 280 लोगों पे है, जितना बड़ा हिमाचल प्रदेश, एक आदमी पे इतनी जमीन है। तो गलत फहमी में ना रहो, ये कंपनियों के लॉ है, उसमें वो कितनी भी जमीन खरीद सकता है। तो ये जमीन बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा, रोजगार को आपको इसी जमीन से तलाश करना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो प्रेस के लोग हैं वे कभी कभी दिखा देते हैं, कभी कभी नहीं दिखाते, उनको भी आजाद करवाना है। प्रेस के ऊपर भी कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है।
यहां पे भी आए कुछ आज दिल्ली से प्रेस वाले लोग, अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रख लेना। अगर ये पता चल गया कि दिल्ली की प्रेस यहां पर आई तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। धन्यवाद है हम लोगों का कि जो वहां से आके और यहां पर कवरेज कर रहे, अपनी रिपोर्ट बना बना कर दे रहे, लेकिन चैनल में मीडिया हाउस नहीं दिखाना चाहता तो आपसे कोई हमको एतराज नहीं है, क्योंकि आप भी अंडर प्रेशर काम कर रहे हो। तो ये प्रेशर खत्म करवाना है, देश से कई लोगों को मुक्त करवाना है। गुजरात के किसानों को मुक्ति अभियान चलेगा, देश के बीजेपी के जो नेता अंदर कैद में बंद है उनको छुटवाना पड़ेगा। कुछ तो छोड़ कहा गया, बीजेपी छोड़ के आ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब ये डूबता हुआ जहाज से कूद कूद कर भागेंगे सब। इनके नेता नहीं बोल रहे, जो बीजेपी के नेता थे वे अंदर बंद है, हाउस अरेस्ट है वे, क्योंकि उनकी सरकार है ही नहीं। तो ये अभियान चलेगा, प्रेस मुक्ति अभियान भी देश में चलाना पड़ेगा। तो ये अभियान सारे चलेंगे। जो यहां पे भंडारे जो लगाए, जो लंगर लगाए उनका भी धन्यवाद, जो खालसा एड ने यहां पे लंगर लगाया वहां पे भी बहुत सेवा लोग करते हैं। गुरुद्वारों का भी धन्यवाद, गुरुद्वारा प्रबंधक जो कमेटी है उसका धन्यवाद, सब लोग जो यहां पर आए उनका धन्यवाद। मेरी माताएं बहनें भी यहां पर आए, बच्चे यहां पर आए, पुलिस फोर्स के लोग हैं उनका धन्यवाद कि आप शांतिपूर्ण तरीके से आप यहां पे काम करते हो। बड़ा पीसफुल्ली ये हिमाचल क्षेत्र है, हम इसकी मिसाल देते हैं पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में, ये ऐसा ही पीसफुल्ली क्षेत्र है। लेकिन जमीनों पर जो कब्जे बाहर की कंपनी करने आ रही है उनसे बचाओ। आपका इसी के साथ मैं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पोर्टर साहब, जय हिमाचल।